रेलवे ने अपनी सेवाओं को किया अपग्रेड, बदल गए रेलवे के नियम। सीनियर सिटीजन्स की बल्ले बल्ले, रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, जारी किए नए नियम। सीनियर सिटीजन को रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, जाने सरकार का प्लान। रेलवे की तरफ से करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। ट्रेन से सफर करने का अगर आप भी प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। रेलवे ने सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा दिया है। सीनियर सिटीजन के लिए अब से रेलवे मंत्रालय ने नए नियम बनाए हैं जिसके तहत आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको रेलवे के नए नियम क्या कहते हैं। रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी में रेलवे हर दिन अपनी यात्राओं को अपग्रेड करता है जिससे यात्रियों को ट्रेन में सफर करने में आसानी रहे। इसलिए IRCTC ने वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन को आसानी से लोअर बर्थ देने के लिए खास जानकारी दी है। IRCTC ने ऐसा क्यों किया बताते हैं आपको। दरअसल हाल ही में एक घटना सामने आई जिसमें एक यात्री ने ट्वीट में लिखा कि मैंने अपने अंकल के लिए ट्रेन का टिकट बुक किया था जिसमें मैंने लोअर बर्थ को प्राथमिकता दी थी क्योंकि उनके पैर में समस्या है और वो अपर या फिर मिडिल बर्थ पर यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी उनको अपर बर्थ मिली है। इस ट्वीट के उत्तर में रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि उस शख्स को नीचे वाली बर्थ क्यों नहीं मिली। रेलवे ने कहा कि अगर आप सामान्य कोटा के तहत बुकिंग करते हैं तो उसमें सीट का अलॉटमेंट उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। वहीं अगर आप रिजर्वेशन चॉइस बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अलॉटेड के तहत बुकिंग करेंगे तो आपको लोअर बर्थ मिलेगी। इसके साथ ही रेलवे ने बताया कि सामान्य कोटे के तहत बुकिंग करने वालों को अलॉटमेंट पूरी तरह से उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। इसके अलावा इस तरह की स्थिति में आप TTE से संपर्क कर सकते हैं और लोअर बर्थ के लिए बात कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो और ट्रेन से रेगुलर सफर करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। रेलवे जल्द वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर मिलने वाली रियायतों को दोबारा शुरू कर सकता है। रेलवे इस मामले पर विचार कर रहा है लेकिन इसके नियमों में कुछ बदलाव कर सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि केंद्र सरकार रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को दोबारा बहाल करने पर विचार कर रहा है, मगर इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार 70 साल से ज्यादा उम्र के वृद्ध लोगों को छूट दे सकती है। आपको बता दें कि मार्च 2020 से पहले रेलवे पुरुषों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 40% की छूट देती है, वहीं महिलाओं को 58 वर्ष की उम्र के बाद किराए में 50% की छूट रेलवे द्वारा मिलती है। तो रेलवे के नियमों पर आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।